आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज पर, मैं जावेद शाह। दर्शकों, मालेगांव शहर कहो या फिर मालेगांव शहर के ग्रामीण विभाग की अगर बात करें, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें मालेगांव शहर से लगकर जो गिरना नदी है और जो वन विभाग के जगह है, उन जगहों पर किस तरीके से शासन के माल की लूट हो रही है। हमने ये खबर लगा कि शासन को जगाने की एक कोशिश की थी कि शायद हमारी खबर लगने के बाद शासन थोड़ा एक्टिव होगा, लेकिन हुआ ये कि कुछ दिनों के लिए वहां पर उनको बंद करवा दिया गया और कहा कि अभी मामला गर्म है, थोड़ा शांत होने दो, फिर चोरी शुरू कर देना। कुछ दिनों के लिए बाड़ी माफियाओं का कारोबार बंद हो गया, मुरम माफियाओं का कारोबार बंद हो गया, लेकिन हम आपको आज की लोकेशन के साथ और डेट के साथ की कुछ तस्वीरें और वीडियोस दिखाना चाहेंगे कि अभी भी वन विभाग का माल और महसूल विभाग का माल किस तरीके से लूटा जा रहा है। लेकिन प्रांत साहब, तहसील साहब, अपर जिला अधिकारी और कलेक्टर साहब सबके सब खामोश दिखाई दे रहे हैं। खामोश क्यों दिखाई दे रहे हैं, अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं तो इसका रीजन है, इसका कारण है कि हमने शासन को जगाया, शासन को दिखाया कि कहां महसूल विभाग का माल लूटा जा रहा है, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, न रेत माफिया पर, न मुरुम माफिया पर। आज फिर हम लोगों ने जब उसका लाइव लोकेशन लिया तो वन विभाग में दिन दहाड़े और रात के अंधेरे में, दोनों ही समय में महसूल विभाग के माल की लूटमार जारी है। कई समाज सेवक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वन विभाग के मालेगांव शहर के अधिकारियों को इसकी इन्फॉर्मेशन दी और इसकी खबर दी, यहां तक के उन्हें एविडेंस भी जमा करके दिए, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। समझ में नहीं आता कि कौन सी ताकत है जो वाड़ू माफिया और मुरुम माफिया पर है कि वो कानून से भी ऊपर जा चुके हैं। हम कहते हैं कि सबसे ऊपर है हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारे देश का कानून, लेकिन हर दिन हमारे उस देश के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये सब कुछ मालेगांव शहर के महसूल विभाग के अधिकारी, वो जवाबदार कर्मचारी खामोश बैठकर तमाशा देख रहे हैं। हमने इसके पहले भी सवाल उठाया था, क्या इसमें उनका भी कोई हिस्सा है क्या? अगर उनका हिस्सा है तो इसलिए वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे या फिर उन पर किसी का दबाव है? अब कानून में बैठे हुए कर्मचारियों को क्या किसी दबाव में काम करना चाहिए, क्या किसी प्रेशर में काम करना चाहिए, क्या उन्हें पगार कोई सत्ता में बैठे हुए आमदार, खासदार, मंत्री देते हैं या फिर जनता के टैक्स से मिलती है? यह उनके जमीर को झिंझोड़ने वाला सवाल है। अगर ये वीडियो मेरा उन तक पहुंचेगा, वो देखेंगे तो शायद उनका थोड़ा बहुत जमीर जाग जाए और इस वाड़ू माफिया और मुरुम माफिया पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूं कि अगर अभी भी वन विभाग में रात के अंधेरे में भी अगर आप जाएंगे तो आपको वन विभाग का माल, चाहे वो दरेगांव हो, साइना हो या अलग अलग विभाग हो, सारे ही जगहों पर आपको रात में वन विभाग का माल चोरी करते हुए लोग दिखाई देंगे। जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर, इन सारी चीजों से भर भर के मुरुम वन विभाग से दिन दहाड़े और रात के अंधेरे में खोदा जा रहा है। स्क्रीन पर भी हम आपको तस्वीरें लाइव लोकेशन की दिखा रहे हैं। सवाल घूम फिर कर वही आता है, क्या जो चीज हमको दिखाई देती है क्या वो शासन और प्रशासन में बैठे हुए जवाबदार कर्मचारी व अधिकारियों को दिखाई नहीं देती है क्या? और अगर दिखाई देती है तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं?
फिर सवाल वही घूम कर आता है, इनके सर पर कौन से कानून का हाथ है जो हमारे देश के कानून से भी बड़ा है? अगर नहीं है तो फिर इन पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? ये आम जनता का माल, महसूल विभाग का माल, सरकार का माल दिन दहाड़े कैसे लूट रहे हैं? हजारों टन मुरुम और कई सौ टन बालू रेती रोजाना चोरी हो रही है। अब तो हद ये हो गई कि मालेगांव शहर, जिसे हम माडा की कॉलोनी न्यू मालेगांव के नाम से जानते हैं, वहाँ की हालत ये है कि सरकार ने जिस माडा कॉलोनी को बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया, वो माडा कॉलोनी जो वीरान पड़ी हुई है, अब उस माडा कॉलोनी के आजू बाजू बीच में कमरों के अंदर भी रेत माफिया वाड़ू माफियाओं ने अपने कामकाज शुरू कर दिए हैं और दिन दहाड़े वहां से रेती और वाड़ू चोरी करके निकाल रहे हैं। उसके इमारत के बिल्डिंग के आजू बाजू में इतने गहरे गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं, उनके बीच में इतने गड्ढे खोद दिए गए हैं कि करोड़ों रुपया खर्च करके बनाई गई माडा कॉलोनी, क्या कोई भरोसा नहीं है कि वो कभी भी जमीन दोस्त हो सकती है, गिर सकती है? क्या सरकार को या फिर सरकार में बैठे हुए यहाँ पर जो अधिकारी है वो किसी बड़े हादसे के इंतजार में तो नहीं है, या वो कौन सा डर और खौफ है जिसके चलते सरकारी कर्मचारी व अधिकारी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे? सवाल तो बहुत है दर्शकों, सवाल बहुत उठा सकते हैं। इस करप्ट सिस्टम पर कई सवाल उठाए जा सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में कहा कि हमने अगर महसूल विभाग के बारे में कोई खबर छाप दी या कोई एनालिसिस कर दिया तो हमें महसूल विभाग की बदनामी का नोटिस आ जाता है, लेकिन दिन दहाड़े वाड़ू माफिया मुरुम माफिया रात दिन चोरी करके जा रहे हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी और अधिकारी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। अब इनको कितना हफ्ता मिलता है, इनको कितना पैसा उसमें से जा रहा है, उनका कितना हिस्सा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है? हद तो तब हो गई जब यहाँ के सभी कर्मचारियों को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई, लेकिन कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने नासिक विभाग से भी संपर्क किया, ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। अब क्या इसकी इन्फॉर्मेशन आम जनता को या समाज सेवकों को या जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये महसूल विभाग का माल लूटा जा रहा है, तो क्या उन्हें अब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से मिलना होगा और उन्हें ये सारी चीजें बतानी होगी, तो शायद जब कहीं जाकर कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकेगी? क्या ऐसा है क्या? दर्शकों, इसमें आम जनता की भी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है, लेकिन हम जनता को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जनता की जिम्मेदारी बुराई को, लूटमार को रोकना नहीं है। ये काम शासकीय कर्मचारी व अधिकारियों का है जिनको संबंधित विभाग की ड्यूटी और जिम्मेदारी अधिकार दिया गया है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी और अधिकार से भाग रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वक्त बताया था कि शायद अब समाज सेवकों को ही मैदान में उतरने की जरूरत है। जैसा कि पिछले तेमकुटसु उत्पन्न बाजार समिति में पोषण हार के तांदूर का मामला, चावल का जो स्मगलिंग का मामला एक समाज सेवक ने पकड़ा, लेकिन किसी भी संबंधित विभाग को ये मान क्यों नहीं मिलता? कोई भी संबंधित विभाग इस पर खुद से कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या अब रेत माफिया और वाड़ू माफिया को भी समाज सेवक और आम जनता को पकड़ के संबंधित विभाग के हवाले देना होगा कि लीजिए साहब, आपका काम हमने कर दिया है, अब थोड़ी सी कलम चला लो और कुछ धाराएं लगा के इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो करो? शायद वो भी उनसे होगी या नहीं होगी, क्योंकि पता नहीं उनकी कलम बिकी हुई है या गिरवी रखी हुई है। ये एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है। दर्शकों, ये थे, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आम जनता अपनी जिम्मेदारी निभाई, समाज सेवक अपनी जिम्मेदारी निभाए और महसूल विभाग में बैठे हुए कर्मचारी जो आम जनता के टैक्स का पैसे से जिनके घर और परिवार चलते हैं, पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो अपना काम अपनी ईमानदारी से कब करेंगे?
यह सवाल है, या फिर यह सब देखने के बाद, सुनने के बाद भी बेशर्मों की तरह जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देंगे? क्या लगता है आपको, कुछ होगा या नहीं होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दर्शकों, अगर अभी तक आपने अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मुलाकात करूंगा किसी नए सवाल के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।